जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम शोरूम के पास आ गए हैं, शोरूम में काफ़ी बाइकें भी खड़ी हैं अंदर, तो हम बात करेंगे कि जाके शोरूम में कैसे कैसे बाइक का रिव्यू देखने को मिलेगा और क्या क्या न्यू फीचर आए हैं। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यामाहा की R15 वर्जन V4 के बारे में और देखते हैं कि V3 और V4 में कौन कौन से फीचर अपडेट हुए हैं और मैं आपको बताऊँगा आज इसमें कि क्या क्या नए फीचर हैं और कैसी परफॉर्मेंस है और कितना इसका टॉर्क और पावर में इंक्रीज और अप डाउन हुआ है। चलो वीडियो चालू करते हैं और देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस देती है गाड़ी और लुक वाइज कैसी है और क्या क्या अपडेट न्यू आया है इसमें। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यामाहा R15 वर्जन V3 और यामाहा R15 वर्जन V4 2021 मॉडल की। तो आप पहले तो इसका लुक देख लेते हैं। लुक वाइज आपको दोनों बाइकों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिख रहा होगा बॉडी के कंपेयर में। तो यामाहा V4 में आपको DRL प्लस प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है और यही बात करें हम V3 में तो हमें LED सेटअप देखने को मिलता है हेडलाइट का 4 LED सेटअप में। और बात करें इसके सॉकर की तो आगे वाले सॉकर हमारे को हाइड्रोलिक सॉकर देखने को मिलते हैं V3 में। और यहीं बात करें V4 की तो इसमें अपसाइड डाउन सॉकर देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं गोल्डन कलर में सॉकर हैं। और इस बाइक में टायर और डिस्क ब्रेक का कोई भी अपडेट नहीं हुआ है, जो V3 में आती थी वही V4 में भी आते हैं। अब बात करते हैं इसकी फ्रंट फेयरिंग की। जैसे कि आप फेयरिंग में देख रहे हैं स्टिकर और बैजिंग दोनों ही चेंज हो चुकी है और फेयरिंग को भी अच्छा कर दिया है। पहले चौकोर साइड में आती थी फेयरिंग, मगर आप देख रहे हैं कि पूरी गोल गोलाई में है फेयरिंग। और ये R1 जैसी बाइकों में, जैसे सुपर बाइकों में आता है उस टाइप का इन्हें फेयरिंग लुक दे दिया है अब इस बाइक को। तो देखने में टैंक की भी काफ़ी डिज़ाइन चेंज कर दी है, जैसे कि आप देख रहे हैं V3 का फेयरिंग देखेंगे तो आप इसमें चौकोर टाइप का है, नीचे देखिए आप घुमा हुआ हल्का सा, बट उसमें पूरा गुलाई के साथ में दे रखा है और पूरा कवर है, जैसे कि आप देखना भी ये देखिए ये V3 में गुलाई के साथ में चौकोर में है एंगल में। और यहीं अगर हम बात करें R15 वर्जन V4 की तो आप देखेंगे पूरा एकदम स्लिम गुलाई है, कहीं से भी कट टाइप का नहीं निकला हुआ है। और V4 में आपको साइलेंसर पे साड़ी गार्ड लगा हुआ दिखेगा और वहीं V3 में आपको ये चीज़ नहीं दिखेगी। जैसा कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि साइलेंसर V4 का कितना एक्यूरेसी लग रहा है। और वहीं बात करेंगे V3 की तो नॉर्मल सा साइलेंसर है, कोई भी सपोर्ट नहीं है साइलेंसर पे, हीट होगा तो बाय चांस पैर भी जल सकता है, तो कंपनी ने ये भी प्रोवाइड कर दिया। और आप पीछे के ग्रेविल के स्टिकर देखेंगे तो V3 में आपको वर्जन V3 का लोगो मिलेगा और वहीं V4 में सिंपल से स्टिकर मिलेंगे आपको। हम टैंक कैपेसिटी की बात करें तो दोनों की टैंक की कैपेसिटी सेम है, बट थोड़ा सा लुक में चेंजिंग हुआ है। जैसा कि आप टैंक देख रहे हैं ये थोड़ा उठा हुआ ऊँचा हो गया है पहले से। और वहीं बात करें V3 की तो आप देखेंगे इन दोनों टैंकों में काफ़ी अंतर है। और V3 में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं आती है और ट्रैकिंग मोड भी नहीं आता है। वहीं हम बात करें वर्जन V4 में तो आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और ट्रैकिंग मोड दोनों मिलेगा और किल स्विच, किल ऑफ स्विच, किल और स्टार्ट स्विच भी आपको देखने को मिलेगा। और इसके मीटर को कंट्रोल करने के लिए आपके हैंडल में ही मीटर के ट्रिप बन और सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। आप देख सकते हैं दोनों के बहुत अंतर है। और इसमें अप डाउन ऑटोमेटिक, V4 में आप बिना क्लच दबाए गियर डाल सकते हैं और वहीं V3 में आप क्लच दबाए बिना गियर भी नहीं डाल सकते हैं। इसमें गियर फंसने का चांस ज़्यादा रहता था, इसलिए कंपनी ने अप गियर ऑटोमेटिक कर दिए हैं। पीछे से दोनों बाइकों का लुक सेम है, बस V4 थोड़ी सी V3 से ऊँची देखने में पीछे से लगती है। जैसा कि आप दोनों देख सकते हैं बाइक के दोनों में से 19-20 का अंतर दे दिया है हाइट में भी, बाकी लुक दोनों का सेम है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर कर देना। अगर आप मैंने कोई भी चीज़ मिस करी है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता देना, मैं उसकी भी वीडियो आपको बना के जल्दी दिखा दूंगा। तो अगर आपको ये बाइक परचेज़ करना है तो आप श्री बालाजी मोटर्स रुद्रपुर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसका इंस्टाग्राम ID i बटन पर दे दूँगा, आप i बटन पर जाके और पूरी डिटेल ले सकते हैं इस बाइक की।